अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए चंगान और शान X7 का एक बेसिक सा वॉक अराउंड लेके इस वीडियो में इस गाड़ी के एक्सटीरियर इंटीरियर ऑप्शंस और इस गाड़ी की प्राइस आप लोगों को बताई जाएगी। ये कहाँ पे अवेलेबल है वो भी आप लोगों को बताई जाएगी। तो एक बेसिक सा रिव्यू होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक आप लोगों ने लाजमी देखना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन मस्ट है, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाड़ी की की से स्टार्ट कर रहे थे, की पे आपको लॉक अनलॉक ट्रंक रिलीज और होल्ड स्टार्ट का फंक्शन मिल जाता है। बैक पे चंगान की बेजिंग आ जाती है। होल्ड स्टार्ट मैं काफ़ी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ, इस वीडियो में भी आप लोग बताता हूँ। आप इसको होल्ड करके रखेंगे तो गाड़ी आप लोगों की ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले हम गाड़ी को लॉक कर लेते हैं और इसको होल्ड करके रखेंगे, विद इन फ्यू सेकेंड्स ये गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। और इसके अलावा अगर बात की जाए, इस गाड़ी में और भी बहुत ज़्यादा फंक्शंस दिए गए। इसमें आपका दो ऑप्शंस आते हैं, एक 5 सीटर वेरिएंट आता है और एक 7 सीटर वेरिएंट आता है। जो 5 सीटर वेरिएंट है वो आप लोगों का जिसको कहते हैं टॉप एंड वेरिएंट वो है, और 7 सीटर इसका बेस वेरिएंट है। अब गाड़ी में मोर और लेस ऑप्शंस का डिफरेंस आता है, जो कि मैं अंदर चल के आप लोगों को इसकी डिटेल्स बताऊँगा कि क्या क्या ऑप्शंस का डिफरेंस है इस गाड़ी में। तो गाड़ी की फ्रंट लुक से स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रंट लुक मुझे इसकी काफ़ी अच्छी लगी, अपार्ट फ्रॉम दैट पार्ट काफ़ी स्लीक इसकी LED डिज़ाइन की लाइट्स दी गई हैं, जो कि देख सकते हैं क्यूब स्टाइल की लाइट्स हैं इसकी, फुल LED टेक्नोलॉजी। ये इसकी DRLs टाइप का भी काम करती हैं। और नीचे की बात की है, ये इसकी मेन हेडलाइट है जिसमें प्रोजेक्टर सेटअप दिया गया, जो कि मुझे थोड़ा सा ऑफ लगा है। रेड एक्सेंट डिपेंड करता है, कुछ लोगों को ये पसंद आता है, मुझे थोड़ा सा ये ओवर लग रहा है। पार्किंग सेंसर्स आ गए, चंगान का बैज आ गया, एक यूनिक सी ग्रिल है इसकी, इसमें क्रोम और ग्लॉस ब्लैक का काफ़ी काम किया गया। इसके अलावा बात की जाए, ये इसके एडवांस ड्राइवर असिस्ट का सेंसर दिया गया, जिसको आम अल्फाज में रेडार भी बोलते हैं। एक्सक्यूज मी, साइड प्रोफाइल पे आ जाएँ तो गाड़ी में आपके पास अलार्म स्कीम है और टायर आप देख सकते हैं काफ़ी मैसिव सा इसमें दिया गया। ये 225/55 R19 19 इंचेस के फिर में इसके साइड पर आपके पास 360 व्यू कैमरा, LED टर्न सिग्नल। ऊपर की बात कीजिए, पैनारामिक सनरूफ और ये ब्लूप्रिंट्स की गई है, शार्पन एरियल भी आपको मिल जाता है। तो अब इसका बूट ओपन कर लेते हैं। इस वेरिएंट में आपको ऑटो टेलगेट मिल जाता है और ये देख सकते हैं 5 सीटर है, तो आपको बूट की स्पेस काफ़ी अच्छी मिल रही है। नीचे की बात की जाए तो नीचे आपके इसके टूल किट वगैरह जैक वगैरह आ जाता है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपके पास एक लाइट दी गई है। ओवरऑल इसके जो बूट की थीम है ना, उसको डार्क रखा गया है और आप बैक सीट्स को यहाँ से फोल्ड भी कर सकते हैं। बेयर विद मी, ये देख सकते हैं 60-40 का स्प्लिट है, तो फोल्ड करके आप ये देख सकते हैं, पूरा फ्लैट नहीं जाता बट कुछ हद तक ये फ्लैट हो जाता है और आपकी बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। देन उसके अलावा अगर 7 सीटर वेरिएंट हो तो यहाँ पे आपके पास डिसेंट स्पेसेस वगैरह मिल जाते हैं, कप होल्डर्स वगैरह आ जाते हैं। चूँकि 5 सीटर है तो इसमें आपको बूट स्पेस अच्छी मिल रही है। तो अब चलते हैं बैक साइड पे और इसके बाकी ऑप्शंस की बात करते हैं। कल बाज मैं गाड़ी के इंटीरियर में आ चुका हूँ, तो इंटीरियर में बैठते साथ आपको एक काफ़ी वेलकमिंग सी फील आती है। गाड़ी में आपको ऐसे लगता है आप किसी प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट के क्रॉस ओवर में बैठे। काफ़ी चीज़ें इसमें आपको मर्सिडीज इंस्पायर्ड भी मिलती हैं, स्पेशली जो इसके डोर पैनल्स हैं ना, ये मुझे लगता है सी क्लास या ई क्लास से उतार के इस गाड़ी में फिट किए गए। देख सकते हैं काफ़ी एक प्रीमियम वाइब आपको दे रहे हैं, ग्रे पेंटेड इसके डोर हैंडल्स हैं, स्टिचिंग जो जा रही है मैं कहता हूँ बेहतरीन इसकी स्टिचिंग है। देन ग्लॉस ब्लैक आ गया, यहाँ पर आपके पास स्पेस दी, आप की वगैरह इसीलिए होल्ड कर सकते हैं। इसमें नीचे आपको बॉटल होल्डर वगैरह मिल रहा है। इस साइड पर इसका पोस्ट आर्ट दिया गया, जो कि वंस अगेन मर्सिडीज इंस्पायर्ड है, जैसे मर्सिडीज़ की गाड़ियों में सेम वही मुझे लगता है मर्सिडीज का बटन उतार के इस गाड़ी में लगाया हुआ है। मैंने देखा है चाइनीज काफी गाड़ियों में सेम ऐसा ही पुश स्टार्ट का बटन आता है, जैसे रिसेंटली मैं बाइक BJ14 में सेम यही था और शान X7 में। तो गाड़ी को मैं इस वक्त स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले स्टेयरिंग व्हील से बात की जाए तो नीचे आप देख सकते हैं फ्लैट आउट स्टेयरिंग व्हील है, मैनुअल एडजस्टमेंट है। देन इस गाड़ी में आपको क्रूज़ कंट्रोल वगैरह मिल रहा है, जो कि लेफ्ट साइड पे है। चाइनीज़ ओरिजिन की जितनी गाड़ियां आती हैं उनमें आपको लेफ्ट पे मिलते हैं, और इवन यूरोपियन गाड़ियों में भी आपको वो कंट्रोल्स डिफरेंट साइड पे दिए जाते हैं। क्योंकि 5 सीटर वेरिएंट है तो इसमें आपके पास जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो कुछ एडिशनल हैं, जैसे इसमें आपके पास हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं। देन ऑटो होल्ड का मिल जाता है, ये पैसेंजर साइड के और ड्राइवर साइड के बहुत ज़्यादा अनयूजुअल सी लोकेशन पर दी गई है। ये देख सकते हैं यहाँ पे दी गई है आपकी,
ये पैसेंजर की है, ये ड्राइवर की है। पहली दफा बंदा बैठे तो ऐसा लगे कि ये आपके ड्राइवर की है बट ये पैसेंजर की है, थोड़ा सा ऑफ सीन है। देन इस गाड़ी में आपके पास क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है, यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, और सिंगल जोन ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल है, और इसकी थ्रो को आप अपने तरफ एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं। देन ऑटोमेटिक गियर बॉक्स इस गाड़ी में, DCT गियर बॉक्स आता है, और रिवर्सिंग कैमरा की अगर क्वालिटी की बात की जाए तो क्वालिटी काफ़ी चीप क्वालिटी आ रही है, ये आप देख सकते हैं, तो इतना कोई मज़ा नहीं आ रहा। देन बैक टू पार्किंग ले आते हैं। ऑटो होल्ड का फंक्शन है, ई ब्रेक है, और यह कि ये देख सकते हैं वंस अगेन लेदर स्टिचिंग आपको जा रही है, और फ्रंट का व्यू भी काफ़ी अच्छा है। मैनुअल डिमिंग रेयरव्यू मिरर आता है। देन इसमें पैनारोमिक सनरूफ है जिसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपके पास सनग्लास होल्डर आ जाता है, सन वाइजर्स में आपके पास वैनिटी मिरर दिया जाता है, ऊपर मैनुअल लाइट इसकी दी गई है, देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है इसका पैनारोमिक सनरूफ है। इंटीरियर वाइट है और सीट्स इसकी काफ़ी हद तक कंफर्टेबल है, और आपको बहुत ज़्यादा ग्रिप करके रखती है, मतलब ऐसे लग रहा है मैं किसी बकेट सीट पर बैठा हूँ, और देख सकते हैं मुझे काफ़ी ग्रिप करके रखा हुआ है इन सीट्स ने। देन सीट बेल्ट वार्निंग वगैरह, डिजिटल मीटर है जो कि मैं अपनी काफ़ी वीडियोस में दिखा चुका हूँ, और गाड़ी का जो है ना ये इसके मल्टीमीडिया को कंट्रोल करने का दिया गया, यहाँ से आप इसके बाकी फंक्शंस फीचर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और इस वक्त डोर वार्निंग शो कर रहा है, अगर डोर वगैरह क्लोज करेंगे तो बाकी हो जाएगा। यहाँ से कैमरा, क्रूज और डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं गाड़ी में। मल्टीपल एयरबैग्स आते हैं, ड्राइवर पैसेंजर एयरबैग है, और कर्टन एयरबैग्स का मुझे यहाँ पे कुछ खास नज़र नहीं आ रहा, बट सीट एयरबैग्स हैं इसमें, सीट पे नज़र आ रहा है। ट्विटर्स वगैरह दिए गए हैं इसमें, आई गेस ESM का फंक्शन भी होना चाहिए, और यहाँ से बाकी आप इसके फंक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे ऑटो जो टेल गेट है उसका दिया गया है। देन यहाँ से आपके पास ट्रैक्शन कंट्रोल आ जाता है, और नीचे आपके पास ये हिल डिसेंट कंट्रोल का भी दिया गया ऑप्शन। मल्टीमीडिया इसमें आपके पास एंड्रॉयड ऑटो, कार प्ले उस तरह से नहीं है, बट फ़ोन कनेक्टिविटी आप एक ऐप डाल के तो अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं। नेविगेशन वगैरह, साउंड क्वालिटी गाड़ी की अच्छी है, और शान की बैजिंग और ये जो ट्रिम जा रही है इसके लुक को काफ़ी इन्हेंस कर रही है। सब चलते हैं, इस गाड़ी की प्राइस आप लोगों को बताते हैं कि ये गाड़ी कहाँ पर अवेलेबल है, इसकी क्या आस्किंग की जा रही है। बस गाड़ी की प्राइस की बात कर लेते हैं, तो 96 लाख रुपीस इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है। इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है, टॉप मॉडल जिसको फीचर सेंस कहते हैं, 5 सीट वाला, तमाम ऑप्शंस के साथ, जिसमें एडवांस ड्राइवर असिस्ट के ऑप्शंस हैं, हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह आपको मिल जाती हैं, पैनोरामिक सनरूफ है, 5 सीटर है, काफ़ी कंफर्टेबल गाड़ी है, और बाकी रिव्यू में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ये गाड़ी आप लोगों सेगल मोटर स्पोर्ट्स की रावलपिंडी सदर ब्रांच पे अवेलेबल होगी, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल्स दी गई है, आप वहाँ से इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वेल गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।